बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट नजीब उल्लाह के अंदर, जहाँ पे कुछ देर पहले एक कत्ल की वारदात हुई है। पांच बच्चों का जवान वालिद जो है वो मारा गया है। यहाँ पे लोहेकीन ने लाश को रखा हुआ है और रोड ब्लॉक किया हुआ है। हम कोशिश करते हैं लोहेकीन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकया है, किस तरह ये कत्ल हुआ और क्या वाकया रुनुमा हुआ। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जो लोहेकीन हैं उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और लाश तक भी जाने की कोशिश करते हैं कि जो लोहेकीन हैं उनसे हम बात भी करेंगे, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या वाकया पेश आया है। ये मेरा क्या नाम है, दिखा सकते हैं यहाँ पे रोड के दरम्यान में लाश रखी हुई है। यहाँ पे क्योंकि शोर ज़्यादा है, यहाँ पे शोर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आवाम जो है आप मुश्किल है वो देख सकते हैं। हमारे देशजी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो अभी पहुँच रहे हैं मौके पे, वो भी लोहेकिन से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकया पेश आया। यहाँ पे पुलिस का महकमा और मुख्तलिफ जो इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब देखते हैं कि इनकी क्या गुफ्तगू होती है, क्या गुफ्तगू करते हैं और क्या बातचीत करते हैं। यहाँ पे DSP उज़ैर खान भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये वाकया कैसे पेश आया और इसके बारे में वो क्या यहाँ पे इकदाम कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी DSP साहब से बात हो जाए, उनसे हम गुफ्तगू करें और जो लोहेकीन हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये किसकी कत्ल हुआ। ऑलरेडी पहले की इनकी कोई दुश्मनी चल रही थी, लोहेकीन हैं इनके, हम इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या वाकया पेश हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा छोटा भाई ये बेगुनाह बुकिंग पे गया हुआ है, मेरा भाई टोडू स्टाफ पे कत्ल हो गया। दिन तीन बजे कत्ल हुआ है, मेरा छोटा भाई है, इसके पांच बच्चे। हमें बताएं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान से और वजीर आजम खैबर पख्तून से हमें इंसाफ की अपील है। DPO हरिपुर से हमें इंसाफ की अपील है कि हमारा बच्चा है बेगुनाह कत्ल हुआ है। हमारे बच्चे के, हमारे भाई के पांच बच्चे, हमें बताएं किस मुंह से हम उसकी चरपाई अपने घर में लेके जाएं। सिर्फ हमें किसी के खिलाफ यहाँ पे दरख्वास्त दी है, हमारी हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ नहीं है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ। यहाँ पे इस वक्त उनके जो यहाँ पे कत्ल हुए हैं उनके वालिद यहाँ पे मौजूद हैं। बेगुनाह मारे, इंसाफ चाहिए। बेगुनाह किसी बंदे के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दी है, कोई शक शुबा किसी ने, कोई भी नहीं। यहाँ पे इनके भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी भाई, आप अस्सलाम वालेकुम। हमारा भाई बहुत अच्छा, हमारा भाई तो छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, दिन को मजदूरी पे गया था अपनी और इसको लेके गए हैं, इसको मार दिया, इसे गाड़ी भी ले ली, सब कुछ ले ली। छोटे छोटे बच्चे, अभी तक हमारा यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं हुआ, कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। हमें धमकियाँ दी जा रही है कि यहाँ से आप जाए, हम कहाँ पे जाइए, हमारे अबू जाने, हम किधर जाए बूढ़े। यहाँ पे अभी हमें धमकियाँ दी जा रही है कि यहाँ से आप जाए, हम आपको मारेंगे, हमें मार दे, लेकिन हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हमें इंसाफ दिया जाए। तो देखिए आपका, हमें इंसाफ दिया जाए। यहाँ कुछ देर पहले DSP साहब मेरी नजर से गुजरे हैं, वो आपके पास आए, उन्होंने जो बात की, कुछ भी नहीं कहते हैं जी, आप जाए हम कर लेंगे। यहाँ पे आप सिचुएशन देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोहेकीन हैं इनके, ये अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं DSP उज़ैर खान साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ मिलेगा और अगर मिलेगा तो कब तक इनको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे महकमा पुलिस के अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, DSP सर्कल खानपुर उज़ैर खान भी यहाँ पे मौजूद हैं, SHO थाना कोट नजीबुल्ला शाह साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे गुफ्तगू करने की कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो कब तक इनको इंसाफ मिलेगा। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे मौजूद हैं उज़ैर खान, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर हम इनका मौकफ जानने की कोशिश करेंगे कि उज़ैर खान क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या सर ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, इन्होंने रोड ब्लॉक किए हुए हैं, तो इनका ये कत्ल हुआ है, इसकी कोई FIR हो चुकी है अभी तक? जी हम FIR हो चुकी है। मैं खुद आ गया हूँ, इंशाल्लाह ये हम ट्रेस करेंगे और इससे पहले जितने भी ब्लाइंड मर्डर थे वो भी ट्रेस किए हैं, ये भी ट्रेस होगा इंशाल्लाह। ये मलिक साहब आ गए, ये मेरे काम से वाकफ़ हैं और इनको पता है कि मेरा काम करने का तरीकाकार क्या है। अभी ये लोहेकीन जो है इनकी क्या डिमांड है? अभी ये कहते हैं हमें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ हम देने के लिए हैं, हम देंगे इंसाफ, हमें तो ऐसे काम के लिए। नाज़रीन यहाँ पे महकमा पुलिस भी मौजूद हैं, DSP सर्कल खानपुर उज़ैर खान भी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने लोहेकीन से गुफ्तगू तफसीली की हुई है और ये इसी सिलसिले में यहाँ पे खड़े हुए हैं। FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है और इनका ये कहना है कि जो लोहेकीन है इनको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा।